नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों 15 अगस्त है और छुट्टी का एंजॉय कर रहे होंगे, तो चलिए 15 अगस्त पे, हालांकि मैंने आपको वीडियो वगैरह दे दिया है, लेकिन फिर से कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, जो नए लोगों को, बिगनर लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता ही है, ये छोटा भाई है देवाशीष, ये फिर से इसके दिमाग में क्वेश्चन आया। अभी कुछ काम कर रहा था, तो काम करते करते इसको अचानक से क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो सारे क्वेश्चन आप लोग के भी दिमाग में आता होगा और कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं मैं क्या सोल्यूशन कर पाता हूँ सवाल। मुझे भी पता नहीं है क्या सवाल है इसके दिमाग में, अभी जो पूछेगा वो आपके सामने में पूछेगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, आपके तरह से भी कोई सुझाव हो तो जरूर मुझे बताइए। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन मेरा खुद का डर है। अच्छा, डर। हाँ, डर इस बात का है कि देखिए, डर तो तभी बनता है जब लॉस लगता है। लॉस लगता है तभी डर आता है मन में, तभी बुरा सब ख्याल आता है। और वो बुरा ख्याल इस बात का है कि एक होता है ना कि कोई टारगेट लेके चलता है आदमी कि नहीं, इस फील्ड में कोई आया है कि कोई ना कोई रीजन से ही आया है कि नहीं कुछ करना है इसमें, इसी में अपना कुछ फ्यूचर बनाना है, ऐसा कुछ। लेकिन जब ऐसा होता है कि जब लॉस लगता है, ठीक है, लॉस लग रहा है और लगा भी है, और अच्छा खासा जब लॉस लग जाता है, तब उसके बाद मन में डर ये आ गया है, और मतलब हर हमेशा मेरे मन में चलता ही है कि एक टारगेट लेके चले कि नहीं हमको 2 साल में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। एक और फिर जब ऐसा सब सीन होता है साथ में ना, तो फिर एक माइंड सेट क्या मतलब ऐसा बन गया है ना कि दिमाग में हर हमेशा एक डर बैठा हुआ रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जो चीज हम लेके चल रहे हैं, जो सपना लेके चल रहे हैं, वो मेरा सही होगा भी, पूरा बनेगा, या मतलब वो सपना मेरा पूरा होगा या नहीं होगा, टाइमली, और मतलब एक टाइम का भी प्रॉब्लम है कि नहीं 2 साल में कुछ ना कुछ हमको सही करना ही करना है, ठीक है। एक्चुअली इनका वही सवाल है दोस्तों कि लोग जिससे आते हैं मार्केट को टाइम करने लग जाते हैं कि ये मार्केट देखो मैं तुमको 2 साल दे रहा हूँ, हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना कोई धंधा पानी पकड़ लूंगा, ठीक है, तो फिर वो नहीं कर पाते। और चूंकि 2 साल या 3 साल किसी के पास टारगेट दिमाग में आता है, किसी का 1 साल का टारगेट होता है दिमाग में, तो लोग एक्चुअली एक तो एक टाइम का प्रेशर दिमाग में कि हमको 1-1.5 साल ही मिला है घर से, या खुद को दिए हैं हमें 1.5 साल, एक तो वो प्रेशर है, ठीक है, दिमाग में कि भाई इतना में हुआ तो ठीक है नहीं, और दूसरा वो प्रेशर है, और साथ ही हमें इनकम भी चाहिए कि भाई हमको तो पैसा भी तो कमाना है, नहीं तो हम खाएंगे कैसे, या फिर हम अपना जरूरत कैसे पूरा करेंगे। चलो बैचलर है तो घर चलाने का अभी टेंशन नहीं है, लेकिन अपना कुछ खर्चा पानी तो निकाल सकते हैं, ये दिमाग में आता है, तो हमें काम ट्रेड भी करना है और प्लस खर्चा पानी भी निकालना है 1.5 साल या 2 साल में, अगर ये हो पाएगा तो फिर इसको हम फुल टाइम करेंगे, यही दिमाग में आता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बहुत लोगों के साथ, बहुत कम लोग होता है जो ऐसा कर पाता है, करने का लोग 6 महीने में भी कर लेता है, ठीक है, और करने का तो मेरे पास ऐसे लोग आए हैं सीखने के लिए जो 30 साल से कर रहा है फिर भी लॉस में, वो उसका मैंने देखा तो उसका तो मैंने पूछा भाई ये 30 साल में आपने किया क्या, कहता सर हमको खुद नहीं पता हम क्या किए, बस किए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है रिजल्ट उसका लॉस में है। तो 30 साल में भी लोग नहीं कर पा रहा है और लोग 6 महीने में भी कर जा रहा है, ठीक है, तो इस सबका अपना अपना एक एबिलिटी होता है, एक क्षमता होता है, अपना भाई अपना काम कर लिया। दूसरा बात क्या होता है कि हमको इसको ऐसे समझना है जैसे कि डॉक्टर बनना है, सपोज डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए पहले क्या करना है, तो डॉक्टर बनने के लिए पहले ये करते हैं कि पहले पहला क्लास में एडमिशन लेते हैं और मैट्रिक तक का एग्जाम देते हैं, उसमें लग गया 10 साल, उसके बाद फिर 2 साल पढ़ते हैं ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट, तो लग गया 12 साल, 12 साल के बाद फिर 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो 12-3 15 साल, उसके बाद MBBS जो भी हुआ, तो 15 साल के बाद बनता है डॉक्टर आदमी, और उसके बाद फिर वो कहीं प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद उसको पेशेंट वगैरह आता है या जॉब लग जाता है डॉक्टर का सरकारी, तो फिर वहां से सैलरी मिलता है। तो डॉक्टर बन के पैसा कमाने में कितना टाइम लगा, 15 साल, फिर ट्रेडर बन के पैसा कमाने में 2 साल, ट्रेडर बन के कि हम ट्रेडर तो बनेंगे लेकिन 2 ही साल में, डॉक्टर को गोली मारो हटाओ, इंजीनियर पे आते उसमें कितना टाइम लगता, उसमें भी सारा प्रोसेस शुरुआत का ग्रेजुएशन तक का वही होता है, या ग्रेजुएशन के पहले लोग डिप्लोमा डिप्लोमा में चला जाता है उसके बाद, लेकिन 12 से 15 साल वहां पे भी लग जाता है, तो फिर उसके बाद वो जाके प्रैक्टिस करता है, उसमें भी नहीं कि गया और करने लग गया, किसी के साथ अप्रेंटिस में रहकर काम करता है, तब एक्सपीरियंस होता है, फिर अपना काम करता है, तब जाके उसको पैसा बनता है। तो डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, अब वकीले बनने में देख लो,
सब में, तो जब सब में इतना टाइम लगता है तब पैसा बनता है। घर में भी लोग यही थॉट ले जाता है कि बेटा मेरा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो वहाँ पे माँ बाप भी 10-15 साल वेट करता है, और लड़का भी जो बंदा वो भी 10-15 साल कहता है भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा, तब ना पैसा आएगा। तो अगर सक्सेसफुल पैसा कमाना है सक्सेसफुल, तो पैसा सक्सेसफुली पैसा क्या मांगता है, टाइम मांगता है कि तुम हमको टाइम रेगुलर दो। ऐसा भी नहीं कि डॉक्टरी करते करते छोड़ दिया होगा 5 साल फिर आके डॉक्टरी किया होगा, नहीं कंटिन्यू रहा होगा तभी तो। इसी तरह से जब तुम इसमें कंटिन्यू रहोगे ना, तो हो सकता है मार्केट तुमसे 10 साल नहीं मांगेगा, कि जरूरी नहीं है कि 10 साल दो, मार्केट हो सकता है तुम इसको साले भर में करवा दे, तुमको हर वो चीज समझा दे, हर वो चीज तुम्हारे दिमाग में डाल दे कि नहीं। जैसे पिछले बार बताए थे भरदराज वाला कहानी कि इतना दिन सीखा गुरु सिखाया नहीं हुआ, लेकिन एक बार पत्थर पर कुआं पर गया पानी पीने, और जब उसे रस्सी खींचा बाहर तो उसके कुआं के रस्सी से जो है पत्थर पर निशान पड़ गया था, उस एक छोटा सा घटना से उसका दिमाग बदल गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में, मार्केट तुमको ऐसा कुछ दिखा सकता है जिससे तुम्हारा साइकोलॉजी वहां पे चेंज हो जाए, और ये थॉट बदल जाए कि हमको साल भर में सीख लेना है, 2 साल में सीख लेना है, नहीं। अगर ये सोच के चलो कि हम 2 ही साल देंगे मार्केट में, उसका नहीं दे पाएंगे, तो मार्केट तुमसे तुम्हारा जीवन का पूरा साल ले लेगा। कारण कि मार्केट के हमको तुम टाइम ना करो, तुम अपने आप को टाइम दो, तुम जितना अपने आप को टाइम दोगे मेरे प्रति, दिन भर सिस्टम पे देख रहे हैं जरूरी नहीं है दिन भर आँख खोल रहे सिस्टम ना, लेकिन एक प्रॉपर वे में रूटीन वाइज कि भाई हमें ट्रेड करना है, हमें चार्ट देखना है, हमें एनालिसिस करना है, हमें बैक टेस्टिंग करना है, फिर जो एनालिसिस किए हैं उसका रिजल्ट देखना है, अगले दिन हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कैपिटल 10,000 है, तो कोई चीज अगर तुम यूज कर रहे हो, स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, जो भी चीज मेथड यूज कर रहे हो, तो अगर वो 10,000 पे सही जा रहा है तो वो 10 लाख पे भी सही जाएगा, 10 लाख पे भी सेम प्रोसेस है, बस खाली क्वांटिटी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये मार्केट को टाइम लेके करेगा कि नहीं हमको 2 ही साल में करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर 2 साल में मार्केट कहेगा कि अभी तो 2 साल में तुम अभी सिर्फ सावन देखा, बरसात देखा, अभी तो तुम ठंडा देखवे नहीं, साल में 3 मौसम ठंडा गर्मी बरसात, तो 2 मौसम देखा, तीसरा तो तुम देखवे नहीं क्या, तुम अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड भी तुम देख लिया, साइडवेज तो भी तुम देखवे नहीं क्या मेरा, अभी वो मौसम देखो ना। हाँ, तो संजोग से तुम 1 साल अप ट्रेंड में आया, जो लोग नए लोग जो आए थे मार्केट में कोविड में और कोविड के बाद, तो लोग खूब खुश थे, उसमें से आधा अकाउंट बंद हो गया, आधा से ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो जब घुसा तो अप ट्रेंड में घुसा, लगा कि एकदम गजब का मार्केट है, मतलब यहाँ पैसा बनता है। कोविड के बाद जब मार्केट वन साइड भागा, पैसा बनता है धड़ाधड़, उसके बाद कोविड के बाद जब मार्केट साइड वेज हो गया, ठंडा हो गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट बंद हो गया, क्यों, पैसे वाइप आउट हो गए। तो मार्केट बोला तुम मेरे अप ट्रेंड में आए, एक मौसम तुमको हम दिखा दिए सावन हरा हरा, तुमको डाउन ट्रेंड यानी कि निगेटिव माइंड वाला भी तुम देख लिया कोरोना वाला, लेकिन तुम साइड वेज कहाँ देखा, जहां पे हम तुम्हारा पेशेंस का टेस्ट लेंगे, टेस्ट मैच पेशेंस का टेस्ट लेता है कि कोई बंदा 5 दिन खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है कंटिन्यू। तो अभी 2020 देख लिया ऊपर और नीचे, अभी साइडवेज कौन देखेगा, तो जो साइडवेज में बच जाता है बंदा, क्योंकि साइडवेज में दिमाग तो ट्रेड तो करेगा ना, वो तो करेगा कि हमको तो ट्रेड करना है, क्योंकि वो नशा हो जाता है, एडिक्शन लग जाता है, तो ट्रेड करना तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साइडवेज में उसका पैसा नहीं बनेगा, पैसा लॉस होगा। तो वहां पर तुम किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हो, तुम्हारा क्या साइकोलॉजी चलता है वहां पर, अगर वहां पर जीत गया तो बहुत हद तक चांस बनता है कि तुम अपना रिकवरी कर जाएगा, यानी कि तुम उस स्टेज को पार कर गया कि हाँ अब मार्केट कहेगा कि जब बंदा साइडवेज भी झेल गया तब इसके बाद या तो अप ट्रेंड में जाएगा या तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो डाउन ट्रेंड में जाएगा तो तुम सेल साइड हो, अप ट्रेंड जाएगा तो तुम बाय साइड हो, पैसे दोनों तरफ बन रहा है। लेकिन साइडवेज में सबसे जरूरी होता है बचना, साइडवेज में अपना पैसा बचाना, एक थॉट होता है कि जिसने पैसा बचा लिया वो पैसा कमा लिया, सीधा तौर पर पहले पैसा बचाना है वो अपने आप में कमाई है। तो साइडवेज में हम हमेशा सबको बोलते हैं, आप लोग को भी बोलते हैं हमेशा कि साइडवेज में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी होता है सिस्टम डायरेक्ट बंद कर दीजिए, प्लग खींच दीजिए उसका, क्योंकि साइडवेज अगर पता चल गया कि मार्केट साइडवेज है और वहां पे आप पैसा बनाने लाएंगे तो आपके पैसे वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है ज्यादातर। तो मार्केट का जो है 3 साल का एक साइकिल होता है, लगभग 3 साल का एक साइकिल चलता है मार्केट। देखो 2020 से 2023 आया, कोरोना चला, वन साइड मार्केट गया भपसनी ऊपर, उसके मार्केट का एक साइकिल आता है, ठीक है, कि इतना दिन अब हम थक जाएंगे, अब हम थक गए, ऊपर गए ना, अब हम थक गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम सोएंगे, आराम करेंगे, यानी वो साइडवेज जो काम ही नहीं करने देगा वहां पे। खूब एनालिसिस करोगे, खूब दिमाग लगाओगे तो इंट्राडे में कुछ पॉइंट बन जाएगा, लेकिन जिस तरह का तेजी देखा था उस वक्त वो तेजी नहीं मिलेगा, वही देख के लोग आ जाता है मार्केट में, और फिर जब पैसे नहीं बनने लगता है साइडवेज मार्केट में या उल्टा मार्केट में, तो लोग वहां पे कहता है हम देखो मार्केट तुमको टाइम दे रहे हैं,
इतना दिन में दिए हमको तो ठीक है, नहीं तो हम बाहर आ जाएंगे, हम हाथ जोड़ लेंगे। नहीं, अगर ये चीज कर लेगा ना तो मार्केट फिर तुम 3 साल बाद आएगा, फिर हो सकता है मार्केट का उस वक्त वही साइकिल चल रहा हो, फिर से शुरू हो गया हो, तो तुम फिर फंस जाएगा वहां पर। तो जब मार्केट में कंटिन्यू रहेगा तभी तो तुम डॉक्टर बन पाएगा, जब तुम पढ़ाई में कंटिन्यू बना रहेगा या तो इंजीनियर बन पाएगा, डॉक्टर बन पाएगा, पुलिस बनेगा या वकील बनेगा। लेकिन नहीं करेगा, बीच में छोड़ देगा तो क्या बनेगा, चोर चुकर लोहार चोहार बनेगा, यही सब होगा, है ना। कभी किराना दुकान, कभी पान दुकान, कभी चाय दुकान, यही होता रहेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान का। लेकिन जब तुम कंटिन्यू इसमें लगा रहेगा, घर थोड़ी चलाना है अभी, बस अपने आप को स्ट्रेंथ में डालना है। तो जब अपने दिमाग में डाल लो कि नहीं हमको घर नहीं चलाना है, बस हमको जो पैसा हम लगा है वो पैसा मेरा बचा रहे, लॉस भी हो तो सीखने के क्रम में लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उस तरह गैम्बलिंग करके लॉस नहीं कर सकते, है। तो हो सकता है मार्केट वही टेस्ट करने के लिए ना तुमको तीनों साइकिल दिखाएगा, अप ट्रेंड भी दिखाएगा, डाउन ट्रेंड भी दिखाएगा, साइडवेज भी दिखाएगा। ये तीन मौसम जिस दिन पार हो गया तो 2 साल में पार हो जाएगी, 3 साल में पार हो जाएगा, उसके बाद जब बाहर निकल के आएगा तो कहेगा अरे ऐसा चल रहा है मार्केट, हमको पता है ये क्या होने वाला। तब वो स्टेज आदमी के दिमाग में आता है, वो स्टेज पर आदमी पहुंच जाता है जहाँ देखते एक साथ बताता है अच्छा ऐसा चल रहा है, देखें वो, तब तो इसको इधर जाना चाहिए। वो होता है वही, वो तीनों मौसम पार करके आया हुआ है, टिक गया है वो, और वो जो टिक गया वो पैसा बना लिया। तो मार्केट को टाइम नहीं देना है कि 2 साल देंगे तुमको, 3 साल, ना ना, हो सकता है उसका 5 साल का डाउन ट्रेंड का ही साइकिल हो सकता है, उसका 5 साल का साइडवेज का साइकिल हो, सर्किल हो, वो चल रहा है अपना, और उस वक्त मार्केट को टारगेट कर लेगा 5 साल, 2 साल दे रहा है, तो वो नहीं होगा। तो मार्केट हर सिचुएशन में ना वो टेस्ट करता है, तीनों मौसम दे, जीवन में भी सुख भी दिखाता है, दुख भी दिखाता है, और एक समय ऐसा भी होता है ना सुख के होता है, चल रहा है, धर्रा बन गया, चल रहा है नॉर्मली लाइफ, है ना। तो वही सब आदमी जो कि तीनों ही मौसम में टिक गया, वो आदमी क्या कहता है, इसको कोई फर्क ही ना पड़ता है, मस्त रहता है ना, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो जो आदमी जो इस मार्केट में इस तीनों मौसम में टिक गया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज साइकिल में टिक गया, वो ट्रेडर बन जाता है। उसमें 1 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, 3 साल, बात है कि डर, पैसा जब लॉस होता है डर, तो पहले बताए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग कोई बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका कड़ा है, स्ट्रांग है, तो आपको कहीं लॉस भी हो जाएगा तो आपको पता है कितना लॉस होगा, है ना। लेकिन लोग यहाँ पे एक दिमाग में लेता है, हमको लगता है ये भी वही करता होगा, रिकवर करने लगता होगा, बदला लेता होगा, है ना, कि हाँ कभी है ना, तो रिकवर करने, इसी वजह से उसको डर लगता है कि रिकवर में जाएगा तो एक खड्डा तो अपने लिए भी खान के रखता है ना लोग, तो उसमें अपने भी चला जाता है, कहता है जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसी में चला जाता है। तो रिकवर करने का माइंड सेट जो जा रहा है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जा रहा है। ये चीज आपको समझना है दोस्तों, बस आपको रिकवर नहीं करना है, बस आपको जो है बने रहना है उसमें, कि मार्केट को हमको समझना है, समझ के ट्रेड करना है, चाहे 1 साल लग जाता है, 2 साल लगे, हाँ बैकअप के लिए छोटा मोटा काम जो कर रहे हैं बाहर में वो काम करते रहिए, वहां से जो पैसा आ रहा है उसको यहाँ सीखने में लगाइए, और जब सीखने में लगाएंगे तो फिर आपको एट ए टाइम एक समय ऐसा आएगा जब खुद लगेगा कि जितना पैसा हम बाहर दुकान से कमा रहे हैं, दूसरे के यहाँ काम करो, उतना पैसा तो हम खुद यहाँ निकाल ले रहे हैं। 1 साल में लग सकता है, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन कंटिन्यू लगे रहेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। इसलिए टारगेट टाइम मार्केट को मत करो, अपने आप को करो। तो उम्मीद है आप लोग का भी दिमाग में कभी ना कभी ये बात आया होगा कि 2 साल 3 साल देख लेते हैं उसके बाद, नहीं नहीं इस तरह से अगर आप करें ना कि 2 साल 3 साल देख लेते हैं तो भाई नहीं होगा, क्या कहेंगे अपने बेटा को, क्या बोलते हैं, अरे ठीक है 1 साल देख लो, अगर 1 साल में बन गया डॉक्टर तो ठीक, अरे भाई उसका डिग्री ही 15 साल में मिलेगा उसको, तो 1 साल में आप उसको कैसे बनवा रहे हैं, ये बताइए, पॉसिबल है। तो ये सब थॉट है, मार्केट के प्रति लोग यही थॉट लेके चलता है, वहां 15 साल दे सकता है डॉक्टर इंजीनियर बनने में, यहाँ नहीं दे सकता है, यहाँ एकदम मार्केट को बंदूक दिखाने लग जाता है, मार्केट 3 साल, मार्केट 2 साल, ऐसा नहीं होता है मालिक, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को बदलना है, इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके चलना, ठीक है। चलो और कुछ नहीं, और कुछ क्या मतलब, ये रीजन इसलिए आता है ना कि थोड़ा होता है ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहता है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहता है, बस इसी सब को लेकर के मतलब एक डर सा बन जाता है। और क्या, तो ये फैमिली प्रॉब्लम वो सब तो सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, वो सब प्रॉब्लम, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन है, तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगा, भटकाएगा रास्ता से, वो सबके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आता ही इसलिए है ताकि तुम अपना गोल से भटक जाओ, है ना। और जो उस वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ वो बन के निकलता है। तो डिस्ट्रैक्शन लाइफ में जरूरी है तुम्हारा स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, कि तुम भटक रहा है कि तुम स्टेबल है। अगर भटक गया तो कच्चा खिलाड़ी, स्टेबल रह गया तो पक्का खिलाड़ी, मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा, मार्केट उसको प्राइज देगा, ये लो पैसा। तुम बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखो जो बहुत स्ट्रगल करके आया है, बहुत स्ट्रगल करके शुरुआत में लॉस करता होगा, उसका अच्छा पैसा बना रहा है,
है ना। हम लोग भी कहा आज भी हम एक फोटो डाले हैं टेलीग्राम पर, वो अपना प्रेस लाइफ का जीवन का पुराना फोटो, हाँ एकदम पतला दुबला से तेज देखा तुम वहाँ पे डाले बहुत टेलीग्राम पे, तो कि अब लिखे हैशटैग फ्रीडम, वो छोड़ दिया जब लग गया कि भाई इतना पैसा तो हम यहाँ से कमा लेते हैं तो उसके तुम्हारे यहाँ गुलामी करके क्या करेंगे। हम खुद का किए, हम मेडिकल दुकान में काम किए, हम डॉक्टर के यहाँ काम किए, हम ट्यूशन पढ़ाए, हम लेबर का काम किए, क्या नहीं किए, तब जाके फिर वहाँ घुसे, वहाँ से घुसते घुसते जैसे जैसे रास्ता मिला अपना समस्या करते गए, अंत में जाके किसी ने वकील साहब ने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, वहाँ से फिर तुम जर्नी वाला वीडियो मेरा देखा ही होगा, तो वो सब चीज हो जाता है लाइफ के साथ, सब कुछ आ जाता है, बस टाइम नहीं करना है कि हाँ टाइम दे दो मिनट दो या दस मिनट दो मार्केट, हमको पैसा दे दो मार्केट, पंद्रह मिनट में दे दो, नहीं नहीं देगा ऐसा सवाल ही नहीं है ना, तो बस लगे रहना है, बन जाएगा पैसा, आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आपको भी फीडबैक देना हो तो जरूर कमेंट में दीजिए, इसको कोई सलाह देना हो तो, फिर अगर कोई सवाल आता है इसके दिमाग में तब मैं फिर वीडियो बनाऊंगा साथ में, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।